Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to study the popular Indian folk theatre Jatra. Folk word का मतलब होता है something जो masses के जो common लोग के choices को taste को ध्यान में रखकर किया जाए और theatre word का मतलब होता है play या कोई drama या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे plays किए जाते हैं. यहाँ पे लेकिन इस टाइटल में थिएटर वर्ड का मतलब है एक प्ले एक ड्रामा. तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि जत्रा एक इंडियन फोक थिएटर है. मींस हमारे देश का एक ऐसा प्ले का स्टाइल है जो मासेस को अपील करता है, जो नॉर्मल लोगों के टेस्ट्स के हिसाब से होता है, उनके लोकल लैंग्वेज को यूज़ करता है, उनके कल्चर को यूज़ करता है. जत्रा ओरिजिनेटेड इन बंगाल इन द 15th century. हालांकि ये उड़ीसा में भी पॉपुलर है और ईस्टर्न बिहार में भी पॉपुलर है. एक्चुअली इसकी शुरुआत भक्ति मूवमेंट से शुरू हुई. भगवान श्री कृष्ण के भक्त और श्री चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स यानी शिष्य, ये लोग छोटे छोटे ट्रेन्स में जाते थे और घूम घूम करके कृष्ण भगवान के लाइफ के कुछ एपिसोड्स को इनैक्ट करते थे, एक्ट करके लोगों को दिखाते थे. इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद भी श्री कृष्ण के लाइफ के एपिसोड्स को शो करते थे. और एक एपिसोड है जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी का अपहरण करते हैं और फिर बाद में उनसे शादी होती है, तो उस एपिसोड को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बार इनैक्ट किया था और उसमें उन्होंने रुक्मिणी का रोल प्ले किया था. और कृष्ण भगवान के लाइफ के उस एपिसोड को रुक्मिणी हरण कहा जाता है. तो मैंने अभी ही आपको बताया कि इस तरह के प्लेस घूम घूम कर किए जाते थे ट्रेन्स पर, रोड्स पर, और इसलिए इनका नाम जत्रा पड़ा क्योंकि जत्रा वर्ड का मतलब होता है टू ट्रैवल, किसी जर्नी पे चले जाना. तो शुरू शुरू में जत्रा में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के लाइफ के एपिसोड्स को शो किया जाता था, पर फिर 19th century से इसके रेपर्टोयर में इसका जो कलेक्शन था, जो जो प्लेज जत्रा के अंडर में आते थे, उसमें और भी इन्हांसमेंट हुआ. उसके स्टॉक में और भी चीज़ें आईं, जैसे लव सागाज आए. प्राइमरीली शुरू शुरू में जत्रा एक ऑपरेटिक थिएटर था. मीन्स इसमें सिर्फ म्यूज़िक के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में एक स्टोरी कन्वे की जाती थी, भजन कीर्तन होता था. पर बाद में चल करके इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century डायलॉग्स की भी एंट्री हुई, तो गाने के साथ साथ अब स्पोकन डायलॉग्स भी होते थे. शुरू शुरू में ये एक रात भर चलने वाला परफॉर्मेंस हुआ करता था, पर बाद में उसके समय को कम कर दिया गया और कुछ घंटों में एक प्ले फिनिश हो जाता था. जत्रा प्लेस के अंदर में जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जो जेस्चर्स यानी जो एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं और जो ओरेशंस यानी स्पीच दिए जाते हैं, वो सभी मेलोड्रामेटिक होते हैं. मींस कि जितनी एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा लोग एक्सप्रेसिव होते हैं. जिस स्टेज पर जत्रा का प्ले चल रहा होता था, उस स्टेज के दोनों साइड म्यूजिशंस बैठे होते थे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जैसे पखावज, हारमोनियम, तबला, फ्लूट, ट्रम्पेट्स, वायलिन, ढोलक, सिंबल्स एंड क्लैरिनेट. और ये जो भी म्यूज़िक होता था, सिंगिंग होती थी, ये सभी एक लोक ट्यून्स पे बेस्ड होते थे. फोक ट्यून जिसको हम कहते हैं, फोक का मतलब जिससे कि आम आदमी कनेक्ट कर सके, जिसे आम आदमी बहुत आसानी से समझ सके. कोरस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स. तो कोरस जो गा रहे होते थे स्टेज पर, वो एक्चुअली लोगों के कॉन्साइंस को यानी विवेक को यानी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते थे और वो कभी भी स्टेज पर आ सकते थे और कैरेक्टर्स के इनर इमोशंस को, इनर फीलिंग्स को, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते थे. जो भी कॉन्साइंस का रोल प्ले करता था, वो कैरेक्टर्स को ये बताता था कि तुम्हारे एक्शंस में क्या डेंजर्स हैं, उनको फिलॉसफीज देता था, उनके एक्शंस के बारे में उन्हें समझाता था. ऐसे प्लेज में एक और कैरेक्टर होता था नियति. नियति वर्ड का मतलब होता है फेट, किस्मत. यूजुअली ये रोल एक वुमन प्ले करती थी और वो आकर कैरेक्टर्स को ज़िंदगी में आने वाले खतरे के बारे में बताती थी, उन्हें आगाह करती थी, उन्हें वार्न करती थी. जत्रा का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर ये था कि वो एक ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, कि ऑडियंस पूरा प्ले बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखे, वो शुरू ही होता था क्लाइमेक्स से. क्लाइमेक्स मींस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ ड्रामा, अ नॉवेल, अ स्टोरी. तो चूंकि वो सबसे एक्साइटिंग, सबसे ट्विस्ट वाले पार्ट से शुरू होता था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग रुक करके पूरा प्ले देखते ये जानने के लिए कि यहाँ तक की स्टोरी आखिर क्या है और आगे क्या होने वाला है.
ट्रेडिशनली शुरू शुरू में जत्रा सिर्फ मेल एक्टर्स ही प्ले करते थे, अगर वुमेन का भी रोल होता था तो मेल एक्टर्स ही औरतों के जैसा मेकअप करके ड्रेसअप होकर के वो वुमेन का भी रोल प्ले करते थे। लेकिन 20th सेंचुरी से वुमेन आने लगी और फिर वो भी जत्रा में पार्टिसिपेट करने लगी। जत्रा का जो ट्रूप होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें एक्टर्स को, आर्टिस्ट्स को बहुत कम उम्र में ही चुन करके एंट्री मिल जाती है और फिर उन्हें वहाँ पर ट्रेन किया जाता है, उन्हें गाना गाना सिखाया जाता है और डायलॉग डिलीवरी सिखाई जाती है, एक्टिंग सिखाई जाती है। किसी भी फोक थिएटर परफॉर्मेंस के जैसा जत्रा के भी परफॉर्मेंस का एक खास सीज़न होता है, एक खास ओकेजन होता है। यूजुअली जत्रा दुर्गा पूजा के टाइम में शुरू होता है, मीन्स रफली अराउंड सेप्टेम्बर, और मॉनसून शुरू होने के टाइम तक कंटिन्यू करता है, मीन्स अराउंड जून। इसे पर्सनल ओकेजन्स में भी परफॉर्म कराया जाता है, मीन्स जो जत्रा परफॉर्म करने वाले ग्रुप होते, ट्रूप होते, उन्हें किसी घर के पर्सनल ओकेजन में भी बुलाया जा सकता है या फिर कोई पब्लिक ओकेजन हो उसमें भी इन्हें बुलाया जाता है। जत्रा इस बात का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम एक फोक के, एक आम आदमी के द्वारा समझे जाने वाले चीज़ों को थिएटर में, प्लेज में, ड्रामास में यूज़ कर सकते हैं, उसमें घुसा सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी स्वदेशी जत्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्वदेशी जत्रा के थ्रू, एक प्ले के थ्रू, लोगों के बीच ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया जाता था, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जाता था और उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उकसाया जाता था। देश की आज़ादी की लड़ाई एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जत्रा को एक मीडियम बनाया गया था, एक माध्यम बनाया गया था। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो ऐसे प्लेज होते थे वो बेसिकली फोकस करता था फ्रीडम फाइटर्स को प्रेज करने में, ताकि लोगों के भीतर एक देशभक्ति जगे और वो ब्रिटिश रिजाइम के खिलाफ खड़े हों और अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जर्मनी ने रशिया पे चढ़ाई कर दी थी, इन्वेजन कर दिया था, उस वक्त भी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने जत्रा स्टाइल ऑफ प्ले को ही यूज़ किया था कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, लोगों के सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी कम्युनिज्म बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और कम्युनिज्म के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं लेनिन, तो उनके लाइफ को ड्रामेटाइज करके लोगों के बीच कम्युनिज्म के आइडिया को फैलाने की कोशिश की थी और उसके लिए जत्रा को ही यूज़ किया गया था। बाद में जब रेडियो टेलीविज़न आ गए तो जत्रा सिर्फ गाँव में रिस्ट्रिक्टेड हो गए, क्योंकि शहर में अब लोगों के पास उतना टाइम नहीं था कि वो जाकर के ऐसे प्लेस देखें। जत्रा बंगाल का, उड़ीसा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है और इसने बहुत सारे थिएटर फॉर्म्स को इंस्पायर भी किया है। पैट्रन कहते हैं उन लोगों को जो फाइनेंशियली किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो 1960s में जत्रा को फिर से जिंदा किया गया, रिवाइव किया गया पैट्रोन्स की मदद से। 1968 में फानी भीषण विद्या विनोद को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला और वो ऐसे पहले जत्रा के आर्टिस्ट थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। जत्रा को बहुत सारे स्कॉलर्स, थिएटर इंथुजियास्ट्स और पैट्रोनेज का बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला और इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये चीज़ फिर से रिवाइव हो सके। सो गाइज, होप आपको ये सब कुछ पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गया हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।